हेलो फ्रेंड्स, जो हमारी पिछली एक्सरसाइज थी वो मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसके कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे। इंडक्शन के क्वेश्चन चल रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वही इंडक्शन का है। पुट एन इक्वल टू 1, के और के प्लस 1 करना है, और ए की पावर जो के प्लस 1 होती है उसको हमने ब्रेक कर लेना है। ए की पावर के इंटू ए की पावर 1, दोनों की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, बस हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और उसको पुट कर देना। फोर्थ क्वेश्चन की जहाँ तक बात है, ये एक्सरसाइज 3.3 में मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 11th है। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है वो क्वेश्चन नंबर फोर्थ वो एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 11th है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11th, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि शो दैट कि बी डैश ए बी, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। मतलब बी डैश ए बी को मेरे को सिमेट्रिक भी प्रूव करना है या स्क्यू सिमेट्रिक भी प्रूव करना है, वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंगली जैसा ए होगा। देखो आगे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंगली जैसा ए होगा। अगर ए सिमेट्रिक है तो इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसको आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। जैसा ए होगा उसी हिसाब से आपने इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है। यानी अगर ए सिमेट्रिक है तो इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। वो डिपेंड करेगा ए के ऊपर, ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ए सिमेट्रिक है तो आपने एक इसको पूरे को सिमेट्रिक प्रूव करना है, और अगर ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसको आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है। यानी अगर ए सिमेट्रिक है तो ए इज इक्वल टू ए डैश होता है। अब इसको मेरे को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो मैं इसका नाम रख दूंगा पी, इसका नाम पी रख दिया। तो पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि अगर हमने किसी को भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हमने उसको क्या करना है, उसका ट्रांसपोज ले लेना है। अगर वो ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है तो सिमेट्रिक है, और अगर वो माइनस का फर्क आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, देखो पी डैश इसका ट्रांसपोज ले लिया। फिर हमारा एक रूल होता है, आपको मालूम है, ए बी का जो होल डैश है वो बी डैश ए डैश होता है, मतलब फ्लिप कर जाता है। तो जब आप इसको फ्लिप करवाएंगे, जब आप इसको फ्लिप करवाएंगे तो ए बी पहले आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा। फ्लिप कर दिया मैंने, ए बी पहले आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा। अब ए बी डैश का दोबारा से फॉर्मूला लगा दिया, बी डैश ए डैश, और ये डैश से डैश कट जाता है, बी बन जाता है। तो मैंने इसको फ्लिप करा दिया, बाद वाले को पहले, पहले वाले को बाद में करके, और डैश का डैश कट गया। और ए डैश किसके इक्वल है, ए के, ए डैश की जगह मैंने ए डाल दिया, ठीक है, ए डैश की जगह ए डाल दिया मैंने, क्योंकि ए डैश ए है। तो ये बिल्कुल वही सेम चीज़ आ गई ऊपर वाली। तो पी इज इक्वल टू पी डैश, यानी ये सिमेट्रिक हो गया। पी इक्वल टू पी डैश यानी ये सिमेट्रिक आ गया। अब आते हैं कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक पर। स्क्यू सिमेट्रिक जब होता है तो ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश या ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है। सिमेट्रिक में सेम होता है, ए डैश इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस का फर्क होता है। अब मैंने इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो मैंने इसका नाम क्यू रख दिया, मान लो इसका नाम क्यू रख दिया, दोनों तरफ डैश ले लिया, दोनों तरफ ट्रांसफर ले लिया। फिर वो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये फ्लिप कर जाएगा, ये बाद वाला पहले आ जाएगा, पहले वाला बाद में आ जाएगा। फ्लिप कर दिया मैंने, फिर इसको फ्लिप कर दो, बी डैश ए डैश, और डैश से डैश कट गया, बी बच गया, फ्लिप कर दिया इसको। तो ए डैश कितना हमारा, माइनस ए, ए डैश की जगह माइनस ए, ये माइनस बाहर ले लेता हूँ मैं, ए डैश की जगह माइनस ए डाल दिया मैंने, माइनस ए जो है वो बाहर आ गया। अब ये किसके बराबर आ गया, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो गया। तो इस तरह से दोनों में देखो करने का जो तरीका है बिल्कुल सेम है, सिर्फ लास्ट में फ़र्क आया है, क्योंकि सिमेट्रिक है तो ए डैश ए प्लस ए के इक्वल है, और स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश किसके इक्वल है, माइनस के। तो एक से सिमेट्रिक प्रूव हो गया और एक से स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो गया, ठीक है जी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये आप अपने आप भी कर सकते हैं वैसे। क्वेश्चन नंबर 6th, क्वेश्चन नंबर 6th में ए दिया हुआ है अपने को 0x और x,
टू वाई वाई और माइनस वाई, जेड माइनस जेड और जेड, और कंडीशन है ए डैश ए इक्वल टू आई। कंडीशन क्या है? ए डैश ए इक्वल टू आई। तो ए डैश मतलब इसका ट्रांसपोज ले लो, पहले ट्रांसपोज लिखना है। तो इसका ट्रांसपोज ले लिया मैंने, ठीक है, इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो ये फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। और मल्टीप्लाई में ए लिखना है। ए क्या है हमारे पास? जीरो एक्स और एक्स, टू वाई वाई और माइनस वाई, जेड माइनस जेड और जेड। ये किसके बराबर है? आई के। आई क्या होता है? वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ठीक है। ए डैश ये ए और इक्वल टू आई दिया होगा, बस मल्टीप्लाई करना है हमने। इधर से रो लेनी, इधर से कॉलम लेना है, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, ऐसे सब में मल्टीप्लाई कर देना। और ये किसके बराबर है? वन जीरो जीरो वन के, सब में मल्टीप्लाई कर दोगे इसको इक्वेट करके, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाए, यहाँ पे वाई आएगा यहाँ पे जेड आएगा, इक्वेट करके हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ एट बिल्कुल आसान है, इनको आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टेंथ पर आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर टेंथ पर, क्वेश्चन नंबर टेंथ में लिखा है कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोड्यूस करता है थ्री प्रोडक्ट्स, तीन तरह की प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स वाई जेड, और ही सेल्स इन टू मार्केट, उसको दो मार्केट में वो बेचता है। प्रोड्यूस करता है तीन प्रोडक्ट एक्स वाई जेड और उसको तीन मार्केट में बेचता है, मार्केट वन और मार्केट टू, ये उसकी क्वांटिटी दी हुई है। और नीचे आपको दिया हुआ है पार्ट ए में एक उनका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हर प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो आपको बताना है टोटल रिवेन्यू कितना होगा। टोटल रिवेन्यू का मतलब क्या है कि टोटल सेल्स कितनी होगी, टोटल सेल्स निकालनी। तो ये एक्सरसाइज हम 3.2 में भी पहले कर चुके हैं, वर्ड प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था कि जब भी ये वर्ड प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, दो मैट्रिसेस बनाने हैं, दो मैट्रिसेस आपको बनाने हैं, दो मैट्रिसेस डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के दो मैट्रिक्स आपको बनाने, अलग अलग इन्फॉर्मेशन के। और इनका ऑर्डर क्या होगा? वो ऑर्डर विल डिसाइड, ऑर्डर विल डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा ऑर्डर? ऑर्डर विल बी डिसाइडेड बाय रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल। हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो इसको डिसाइड करेगा कि इन मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा। मैट्रिसेस कौन से होंगे? दो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के। मैट्रिसेस कौन से होंगे? दो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के, लेकिन उनका ऑर्डर क्या रहेगा वो कौन डिसाइड करेगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल। वो आपको मालूम है, इसमें जितने कॉलम होते हैं उसमें इतनी रोज होनी चाहिए, इसमें जितने कॉलम है उतने उसमें रोज होनी चाहिए। और आंसर क्या आता है? आंसर आता है इसकी रोज और इसका कॉलम, आंसर आता है इसकी रोज और उसका कॉलम, और ये बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा आंसर का ऑर्डर होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखो, एक मैट्रिक्स तो आपके पास ये हो गया क्वांटिटी वाला, ये एक मैट्रिक्स हो गया क्वांटिटी वाला, ये लिख लेते हैं एक मैट्रिक्स क्वांटिटी वाला, जिसमें मार्केट वन में 10,000 एक्स की है, वाई की क्वांटिटी 2,000 है और जेड की क्वांटिटी 18,000 है। ऐसी मार्केट सेकंड में ये 6,000 है, ये 20,000 है और ये 8,000 है। एक मैट्रिक्स तो ये बन गया हमारा क्वांटिटी का। अब मेरे को दूसरा मैट्रिक्स बनाना है सेलिंग प्राइस का। देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ ना, सेलिंग प्राइस का बनाना है दूसरा मैट्रिक्स सेलिंग प्राइस का, लेकिन उसका ऑर्डर क्या लेना है? अब जैसे ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें देखो दो रोज हैं और तीन कॉलम है, इस मैट्रिक्स में दो रोज हैं और तीन कॉलम है, इसका ऑर्डर तीन ये हो गया। तो इसमें अगर तीन कॉलम है तो इसमें तीन रोज का होना जरूरी है, ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है उसको आपने फॉलो कर लेना, मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है उसको आपने फॉलो कर लेना, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है? इसका कॉलम और इसकी रो सेम होगी, तो इसमें तीन कॉलम है तो इसमें तीन रोज का होना जरूरी है। तो सेलिंग प्राइस को ऐसे लिखो, पहले का सेलिंग प्राइस है ढाई रुपये, पहले का सेलिंग प्राइस ढाई रुपये, दूसरे का सेलिंग प्राइस दो रुपये, डेढ़ रुपया, और तीसरे का सेलिंग प्राइस एक रुपया। तो दो मैट्रिक्स बन गए, एक क्वांटिटी का और एक सेल्स का, इनको मल्टीप्लाई कर दो इधर से रो इधर से कॉलम, जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे टोटल सेल्स आ जाएगी।
इससे आपकी टोटल सेल्स आ जाएगी। ठीक है, सेकंड पार्ट में लिखा है, सेकंड पार्ट में हर एक की कॉस्ट भी दी हुई है। जैसे ये जो प्रोडक्ट है ये 2.5 रुपये की बिकती है, लेकिन ये बनती कितने की है? 2 रुपये की। ये प्रोडक्ट 1.5 रुपये की बिकती है लेकिन बनती कितने की है? 1 रुपये की। ये प्रोडक्ट 1 रुपये की बिकती है लेकिन बनती कितने की है? 50 पैसे की। तो आपको बताना है कि कितना प्रॉफिट ये फर्म कमाएगी, प्रॉफिट निकालना अपने को। अभी सेलिंग प्राइस निकाला था, सेल्स निकाली थी, अब हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट। यानी अगला मैट्रिक्स जो बनेगा वो किसका बनेगा? प्रॉफिट का बनेगा। अगला मैट्रिक्स किसका बनेगा? प्रॉफिट का वो मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट। तो एक्स की जो सेल्स है, एक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 2.5 रुपये और इसकी कॉस्ट 2 रुपये है, तो 50 पैसे का प्रॉफिट हो गया। वाई में 1.5 रुपया सेलिंग प्राइस है और 1 रुपया जो है वो कॉस्ट है, 50 पैसे प्रॉफिट हो गया। जेड का 1 रुपया सेलिंग प्राइस है, 50 पैसे उसकी कॉस्ट है, 50 पैसे का प्रॉफिट हो गया। तो आपने देखा कि ये जो मैट्रिक्स हमने बनाना था प्रॉफिट का बनाना था, तो मैंने एक यूनिट बिकती कितने में है और बनती कितने में है, बिकती कितने में और बनती कितने में है, बिकती कितने में और बनती कितने में है, बिकती 2.5 रुपये की है, बनती 2 रुपये की है। ठीक है, 2.5 और 1.5 में से हमने इसको माइनस करके 1.5 वाला 50 50 पैसे का प्रॉफिट आ गया। और वही इसमें 3 कॉलम है तो इसमें 3 रोज़ का होना ज़रूरी है, इसमें 3 कॉलम है तो इसमें 3 रोज़ का होना ज़रूरी है। तो ये प्रॉफिट ले लिया 50 पैसे 50 पैसे और 50 पैसे, तो प्रॉफिट ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर से रो इधर से कॉलम, इधर से रो इधर से कॉलम लेके इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से। तो वही है कि दो मैट्रिक्स आपको बनाने, ऑर्डर विल बी डिसाइडेड बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11th। इसमें एक मैट्रिक्स एक्स निकालना अपने को, एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, और एक मैट्रिक्स ये गिवन है -7 -8 -9 और 2 4 6। अभी जो मेट्रो को मैट्रिक्स एक्स निकालना है, सबसे पहले देखना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले ये देखना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे इसका ऑर्डर है 2 रोज़ 3 कॉलम और इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज़ 3 कॉलम। अब फिर वापस उसी पे चलते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल हमें क्या सिखाता है, कि इसमें जितने कॉलम होंगे उसमें इतनी रोज़ होनी चाहिए। अगर इसमें 2 रोज़ हैं तो इसमें कितने होने चाहिए? 2 कॉलम होने चाहिए। अगर इसमें 2 रोज़ हैं तो इसमें 2 कॉलम होने चाहिए, ये हमारे को सिखाता है। ठीक है जी, और चलो ये तो सेम हो गए, इनको जेल में बंद कर देते हैं। इसकी रोज़ और इसके कॉलम सेम हो गए, इनको हम जेल में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब जो आंसर आता है वो भी आपको मालूम है। आंसर क्या आता है? ये 3 इससे आता है और 2 कहाँ से आएगा? वो इससे आएगा। ये दोनों तो सेम हो गए, अब आंसर क्या आता है? इसकी रो और इसका कॉलम आता है, इसकी रो और इसका कॉलम, इसकी रो और इसका कॉलम। तो आंसर आ रहा है 2 × 3, तो मतलब 3 इसके कॉलम है, 2 इसकी रोज़ है। तो ये दोनों सेम होने चाहिए और आंसर इससे आ जाएगा। तो बड़ा आसान है, इससे मैट्रिक्स एक्स के हमारे को ऑर्डर पता चल गया। मैट्रिक्स एक्स जो लेना है हमारे को, वो 2 × 2 लेना है। 2 × 2 क्यों लेना है? क्योंकि 2 रोज़ बनाएंगे तभी तो आंसर में 2 रोज़ आएंगी, और 2 कॉलम बनाएंगे क्योंकि वो इसके बराबर है। तो 2 रोज़ 2 कॉलम ले लो, ABCD। फिर यहाँ ले लो 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। इसको मल्टीप्लाई करो, इधर से रो इधर से कॉलम, और इक्वेट कर दो आपस में, इनको मल्टीप्लाई करके आपस में इक्वेट कर दो। ठीक है जी, एक 12वां क्वेश्चन और बताता हूँ, ये भी इंडक्शन का क्वेश्चन है, उसके बाद आप बड़े आराम से ही कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है सारे। एक 12th क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, फिर ये मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएगी और चैप्टर 4 हमने शुरू करना है, कल की क्लास में भी शुरू करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12th, इसमें AB और BA इक्वल है, ठीक है, और एक इंडक्शन है हमारे पास, ABN इज इक्वल टू BNA, ABN इक्वल टू BNA, ये मैंने प्रूव करना है। तो पुट n इक्वल टू वन कर दिया, ये फर्स्ट आ गया। फिर लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, हमने मान लिया कि n की वैल्यू k के लिए है, ये n की वैल्यू k,
ये सेकंड हो गया, पहले मैंने वन पुट किया फिर के पुट किया, फिर पुट एन इक्वल टू के प्लस वन, फिर एन की वैल्यू के प्लस वन डाल दी। देखो एन की वैल्यू के प्लस वन, ये डाल दी एन की वैल्यू के प्लस वन। ये तीन स्टेप तो वही हमारे इंडक्शन के हैं, वन के और के प्लस वन, ठीक है जी। अब ये एल एच एस ले लो, ये एल एच एस ले ली मैंने, क्लियर। इसको ब्रेक कर लो, बी की पावर के प्लस वन को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, बी की पावर के इंटू बी की पावर वन कर सकते हैं ब्रेक। अब इसकी वैल्यू यहाँ से देखो, ये रही फर्स्ट से सेकंड से, तो फ्रॉम सेकंड, सेकंड से इसकी वैल्यू क्या है, ए बी के की वैल्यू क्या है, बी के ए, इसकी वैल्यू है बी के ए, ये देखो ए बी के की वैल्यू बी के ए, ठीक है जी। और फिर फर्स्ट से ए बी वन की वैल्यू क्या है, ये तो हमने लिख लिया बी के ए, बी के लिख दिया ना, ये कहाँ इससे वैल्यू आई, देखो ये वैल्यू इससे आई थी, इसको पुट कर दिया मैंने। और अब ए बी वन किसके बराबर है, ए बी वन बराबर है बी वन ए के, ए बी वन किसके बराबर है, बी वन ए के, ये फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। अब ये बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी, देखो बेस सेम है पावर से ऐड हो जाएंगी, बी की पावर के प्लस वन इंटू ए, बेस सेम है पावर से ऐड होगी, बी की पावर के प्लस वन इंटू ए, यही आर एच एस है। ये देखिए तो एल एच एस में मैंने क्या किया, बी की पावर जो के प्लस वन थी उसको मैंने ब्रेक कर लिया, बी की पावर के इंटू बी की पावर वन लिख दिया, और ये वैल्यू यहाँ से आ गई, देखो ये देखिए ए बी के की वैल्यू यहाँ से आ गई बी के, ए बी के की वैल्यू बी के, और ए बी वन की वैल्यू ये रही बी वन ए, ए बी वन की वैल्यू क्या है बी वन ए, बेस सेम है पावर से ऐड कर दो, क्लियर, क्लियर है ना, गुड। अब एक 13 जो क्वेश्चन है इसके अंदर, 13 क्वेश्चन के अंदर ए स्केयर इक्वल टू आई है, 13 क्वेश्चन में ए स्केयर निकाल के, इसका ए स्केयर निकाल के इक्वल टू आई रख देना, इस मैट्रिक्स का स्क्वेयर निकाल के उसको आई के इक्वल रख देना, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट जो क्वेश्चन है 15, इसमें ए स्केयर इक्वल टू ए दिया हुआ और मेरे को सॉल्व करना है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 ए, तो आई प्लस ए का होल क्यूब मतलब मेरे को इसको 3 बार खोल लेना है, आई प्लस ए, आई प्लस ए, आई प्लस ए, इसको 3 बार ओपन करना है। अब इसकी ब्रैकेट खोल लो बारी बारी से, बस ब्रैकेट ओपन करनी है, और जहाँ जहाँ ए स्केयर आए उसकी जगह ए डाल देना, इसका होल क्यूब है ना, इसको 3 बार लिखा, पहले इन दोनों ब्रैकेट को ओपन कर लेना, जहाँ जहाँ पे ए स्केयर आएगा उसकी जगह ए डाल देना, और आई स्केयर तो आई होता ही पता ही आपको, इसकी ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रैकेट ओपन करते हुए जहाँ पर भी ए स्केयर आएगा वहाँ पर ए डाल देना, और आई स्केयर की जगह तो आई डालना ही डालना है, इसको सॉल्व करते करते लास्ट में इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये मिसलेनियस के क्वेश्चन है हमारे पास, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे 4th चैप्टर शुरू करने की, बाकी बाय बाय, कोशिश करें हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की, उसमें जो मज़ा है वो यूट्यूब में इतना मज़ा नहीं है, जो सबके साथ आता है मज़ा वही असली मज़ा होता है, बाय बाय।